हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना की रसोई। और आज मैं फिर से आ गई आपके बीच एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ आलू दम की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आलू लिए हैं, इसे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं आलू दम। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस कर दिया है ऑन। तो की कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे काट लेती हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिया है, इसे मैं ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा लहसुन, भी मैं साथ में पीस लूंगी। और एक टमाटर मैं यहाँ पे काटती हूँ, इसे भी मैं ग्राइंड करूंगी। मैंने यहाँ सबको पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका है और मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल और सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी जीरा, साथ में तेज पत्ता और खड़ा गरम मसाला। लौंग मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 चम्मच। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा गोलकी का पेस्ट। मसाले को धीमी आंच पे पकाते रहें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। मैंने यहाँ नमक 2 चम्मच यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एवरेस्ट का मीट मसाला 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। अब हम इसे धीमी आंच पे ऐसे ही भूनते रहेंगे 10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही में मैंने पहले से ही पानी मिला लिया है। इसे अच्छे से मिला लीजिए और मिलाते हुए हम इसे भूनेंगे अच्छे से धीमी आंच पे। इस तरीके से हम इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, आपको जितना जरूरी है उतना ही पानी डालें। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। और हमारा दम बिरयानी बनकर उनके है तैयार, आप देख सकते हैं। हाँ।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू दम बनकर हो गया है तैयार। तो मैं चली गर्मा गर्म आलू दम खाने के लिए, लेकिन चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।